चंद्रपूर शहरातील वेकोलीच्या रैयतवारी कॉलरीसह वसाहत परिसरात मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या घटना घडत आहेत. काहींवर तर अज्ञात चोरांकडून जीवघेणा हल्ला देखील झालाय. या घटनांमुळे अधिकारी कर्मचारी आणि वसाहतीमधील रहिवाशी दहशतीत आले असून पोलिसांनी या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेऊन चोरांना तात्काळ अटक करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय. चंद्रपूर शहरातील वेकोलीच्या रैयतवारी कॉलरीतील अधिकारी कर्मचारी आणि वसाहतीत राहणारे नागरिक कमालीचे भयभीत झाले आहेत. या भागात वारंवार घडणाऱ्या चोरी आणि हल्ल्याच्या घटनांमुळे आज हे चित्र दिसून येत आहे. CRC खदान आणि सुरक्षा रक्षक बंद असल्यामुळे या घटनांना वेग आला आहे. आता तर दिवसाढवळ्या चोरीच्या घटना घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी कांचन बक्का आणि शिवशंकर मंगलिया यांच्यावर अज्ञात चोरांकडून दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत दोघेही जण गंभीर जखमी झाले होते. याविषयी पोलिसात तक्रार देण्यात आली, परंतु हल्लेखोरांना अजूनही अटक झाली नसल्यामुळे या भागात या घटना पुन्हा पुन्हा घडत आहेत. हल्ल्याच्या भीतीमुळे अनेक जण तर रात्री ड्युटीवर जाण्याऐवजी घरी राहण्यातच धन्यता मानत आहेत. चोरीच्या घटनांमुळे या भागातील लोकांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. एकूणच हा भाग पूर्णतः भयभीत झाला असून याकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात या भागात अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन अधिकारी कर्मचारी आणि नागरिकांना भयातून मुक्ती द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीची दखल घेऊन उचित कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. याविषयी कोयला श्रमिक सभेचे पदाधिकारी सैजुद्दीन शेख यांच्याशी केलेली बातचीत पाहूयात. अपने कामगारों की समस्याओं को लेकर जिस तरीके से खदान कुछ दिन पहले बंद हो गई और यहाँ पर चोरों की वारदात इतनी बढ़ चुकी है कि आए दिन हमले हो रहे. किसी एक कामगार को पत्थर फेंक के मारा गया जिससे कई टाके लगे, गंभीर चोटें आई, जिसकी शिकायत भी रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है. लेकिन कुछ दिन पहले चोरी की वारदात इस तरीके से बढ़ गई कि दिनों दिन आकर सिक्योरिटी वाले को कैंटीन के सामने हमला किया गया, उसकी भी रिपोर्ट रामनगर में दर्ज है. जब संगठन ने देखा कि अब कुछ हो नहीं रहा तो संगठन ने अपने लेटर पैड पर लिखकर पुलिस निरीक्षक साहिबा की तरफ और रामनगर पुलिस स्टेशन दोनों की तरफ देने के बाद कि कुछ तो राहत होगी, उस दिन से चोरी की वारदातें और बढ़ गई. अब कामगार इतने सख्ते में है कि वो क्या करे, ड्यूटी करे या ड्यूटी छोड़ दे, इस तरीके की भावना उसके दिल में पैदा हो गई है. प्रशासन से हमारी उम्मीद यही है कि ये जो चोर यहीं के लोकल चोर है जिनका लिखित में कंप्लेन दिया गया है, आज वो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही और आकर वो जिस तरीके से सिक्योरिटी वालों को दादागिरी दिखा रहे और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही, जिसका जीता जागता सबूत है कि WCL के ऑफिसरानों की तरफ भी उसकी कंप्लेन गई है. चंद्रपुर क्षेत्र के मुखिया, रैयतवारी उप क्षेत्र के मुखिया और रामनगर और SP साहिबा की तरफ. प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि कामगारों की सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो. जिस तरीके से चोरों की वारदात बढ़ते जा रही है, वो आए दिन कुछ ना कुछ हंगामे कर रहे हैं. कल रात में भी वो लोग घुसे जिस पर हम लोग जाके दौड़े और वो भाग गए, लेकिन आए दिन पुलिस के तरफ से कुछ कार्रवाई ना होते हुए आए दिन उनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है, जिससे कामगार सकते में है. संगठन की मांग है कि अगर इस पर कार्रवाई न की गई और कोई ऐसी घटना घटती है जिसके जिम्मेदार प्रबंधक और पुलिस निरीक्षक सारे लोग रहेंगे, ऐसी संगठन मांग करती है और उम्मीद करती है कि प्रशासन इस पर हमारी मदद करे और कामगारों का आश्वासन और कामगारों की जो एकता है वो बरकरार रहे और वो लोग अपनी सुरक्षित ढंग से ड्यूटी कर सकें.